गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग इनकम टैक्स स्टार्ट करने वाले हैं और इनकम टैक्स में आज एकदम बेसिक होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को डिमांड थे कि इनकम टैक्स में सर कुछ स्लैब रेट का कुछ डिस्कस कर दीजिए। इसलिए आज हम लोग आए हैं और इनकम टैक्स में जो स्लैब रेट होता है उस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखेंगे जो स्लैब रेट होगा, अभी जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो है उन्होंने जो अनाउंस किया है 2023 का जो बजट में उन्होंने स्लैब रेट, उस पर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। चलते हैं, आप लोग रेडी रहें, अपने नोटबुक निकाल के रखेंगे ताकि इस चीज़ को साथ साथ आप लोग भी नोट करते चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो जिक्र करते हैं इंडिविजुअल के लिए, जो इंडिविजुअल है उसके लिए है इंडिविजुअल, ठीक है, जिसका एज है अप टू 60 ईयर्स से जो बिलो है, ठीक है, 60 वर्ष तक या उससे ऊपर होता है तो वो सीनियर सिटीजन कहलाता है, ठीक है। तो बातें समझ में आ रही है, एक बार मैं वीडियो कैमरा देख लेता हूँ आप लोगों को दिखाई दे रही है या नहीं, ये ब्लर हो रही थी, मैंने एक बार चेक कर लिया, ठीक है, अब शायद क्लियर होगा। तो देखेंगे सबसे पहले फर्स्ट ऑन 250,000 पे नील है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये सब चल रहा है ओल्ड टैक्स रिजीम, क्योंकि अब जो है हम लोग को न्यू टैक्स रिजीम भी आ गया है तो मैं उस पर भी जिक्र करूंगा। ऐसे मैंने लास्ट वीडियो में मैंने ओल्ड टैक्स रिजीम और जो न्यू टैक्स रिजीम है उस पर मैंने डिस्कस करवाया था और एक वीडियो मैंने बना करके उसको अपलोड किया था, कुछ उसमें मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करवाया था। तो देखिए फर्स्ट ऑन 250,000 नील होगा, नेक्स्ट ऑन 5 लाख एट द रेट ऑफ 5%, उसके बाद है नेक्स्ट ऑन 10 लाख तक, यहां पे अप टू लिख सकते हैं, अप टू 5 लाख, अप टू लिखूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अप टू 10 लाख तक एट द रेट रहेगा, एट द रेट ऑफ 20% होगा, उसके बाद एभव 10 लाख होगा, इस पे लगेगा एट द रेट ऑफ 30% से, इन सभी को ऐड कर दूंगा जो आएगा, इस पे सरचार्ज लगाई जाती है एड सरचार्ज, ठीक है, जो सरचार्ज होगा यहां पे एट द रेट ऑफ 7%। यदि इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल को क्या होता है, अगर 50 लाख या उससे एभव है तो इस पे 7% से सरचार्ज ऐड हो जाती है। फिर इस पे आपको ऐड होगा एड हेल्थ एंड हायर एजुकेशन सीस एट द रेट ऑफ 4%, जो होगा यहाँ पर जाकर के मैं ऐड कर दूंगा। अब जो निकल के आएगा वो इंडिविजुअल के लिए टैक्स लाइबिलिटी कहलाएगा। एक बार मैं थोड़ा कैमरा देख ले रहा हूँ, आप लोगों को दिखाई दे रहा है, एकदम क्लियर है, किसी प्रकार का इश्यू नहीं है, ठीक है। तो ये जो रहा किसी इंडिविजुअल के लिए रहा है और खास कर ये मेन के लिए है, अगर इसी में वीमेन कैंडिडेट हो, महिलाएं हैं, तो उसके लिए स्लैब रेट हो जाती है 2.5 लाख के जगह पे ये हो जाती है 3 लाख। उसको मैं कह सकता हूँ क्वेश्चन में मेंशन रहेगा मिसेज ए या मिसेज बी, इस तरह से करके कुछ लिखा रहेगा तो समझेंगे वो महिला का है और महिला के लिए क्या है, फर्स्ट आपको 3 लाख तक माफ है। मैं उसके लिए स्लैब रेट बताता हूँ, अगर वोमेन होगा, ठीक है, उसके लिए क्या होगा, पहला 3 लाख, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, ये 3 लाख पे नील होगा, उसके बाद अप टू 5 लाख एट द रेट ऑफ 5%,
फिर होगा अप टू 10 लाख, जो इस तरह से वही समझेंगे एट द रेट ऑफ 20%, और एबव होगा 10 लाख, एबव 10 लाख ये हो जाएगा फुल रेट ऑफ 30%, और सब सेम रहेगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ 2.5 लाख की जगह पे महिलाएं में होती है आपको 3 लाख तक माफ होती है टैक्स। जब भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे कितने बच्चे को, यहाँ पे भी इशू हो जाती है। जैसे देखिए 2.5 लाख तक माफ का मतलब, अगर किसी एसएससी को 2.5 लाख इनकम है तो उस पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं। अगर मान कर चलिए एसएससी का क्या है 4 लाख इनकम होगा तो क्या करेंगे, 2.5 लाख पे तो नहीं है, तो रिमेनिंग बचता 1.5 लाख, और 1.5 लाख पे हम लोग 5% लगाएंगे। यदि उसका इनकम 6 लाख होगा तो मुझे कैसे कैलकुलेट करनी है, 2.5 लाख पे नहीं, फिर 2.5 लाख से 5 लाख तक के बीच में कितना डिफरेंस होती है 2.5 लाख, तो 2.5 लाख पे 5% 12,500। अब रिमेनिंग कितना बचा, टोटल इनकम था मेरे पास 6 लाख है, तो रिमेनिंग बचा 1 लाख, तो 1 लाख को 10% में चार्ज करूंगा। इस तरह से इनकम को टैक्स चार्ज करूंगा किसी भी इनकम पे। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।